मेरे साथ क्या हुआ तो शार्पनर तो बड़ी बहुत है, तो बहुत खतरनाक है। हेलो एंड गुड आफ्टरनून माय ब्यूटीफुल पीपल। तो आज का प्लान कुछ ऐसे है, आज मैं खाना बना रही थी तो मेरा कुकर बहुत परेशान कर रहा है। पहले भी एक बार ठीक कराया, उसके बाद फिर परेशान कर रहा है। उसकी सारी जो स्टीम है वो साइड से निकली जा रही है। तो आज का प्लान ये हुआ कि सबसे पहले तो मैं अपने कुकर को चेंज करवाने जा रही हूँ, इन कुकर को दे दूँगी और नए कुकर लेकर आऊँगी। सबसे पहला मेरा मेन इंपॉर्टेंट वर्क ये है और उसके बाद देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। कुकर दिखा देती हूँ, इन दोनों कुकरों को मैं रिजेक्ट कर रही हूँ आज और इनके बदले कोई और कुकर लेकर आऊँगी, इनको दे दूँगी। एज इनको रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। वॉट तो यहाँ पर निकलने के लिए तैयार हैं हम, लेकिन हम इतने पहले सोचा गाड़ी साफ़ करवा लें, गाड़ी गंदी हो रही थी और भैया आज साफ़ करके नहीं गए थे। अब बाहर खड़े खड़े हमें धो गए हैं पसीना पसीना, ऐसा बहुत ही ज़्यादा गर्मी है अभी भी दिल्ली में। तो भैया ने गाड़ी साफ़ कर दी है, फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। हम आए हैं मोती नगर, मोती नगर में होते हैं कुकर चेंज। मैं पहली बार ही आई हूँ, देखते हैं क्या रहता है, फिर आपको बताऊंगी ये पुराने कुकर कितने पैसे में जाते गए और नए में कितना मिला। यहाँ पर कुकर की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, वैसे तो सारे ही बर्तनों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, कढ़ाई कुकर हर चीज़ अवेलेबल है। देखते हैं, मुझे तो स्टील में ही स्टेनलेस स्टील में कुकर लेना है, इस बार मैं एल्यूमिनियम में नहीं लेने वाला। प्रेशर कुकर भी एक से बढ़कर एक है, समझ ही नहीं आता कौन सा है फाइनल किया जाए। यहाँ भी क्या लेने लगी है? अभी पहले एक ले चलते हैं, पता लग जाएगा ना क्वालिटी का, क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर उसी की ले लेंगे ना। फिर हॉकिंस वाला कितने का है? इसके नीचे ना अलग से बेस दे रखा है, ये हैवी है। कितना लीटर है ये? 4.4 है। हाँ मैम, ऐसे दवाई जैसे अंदर के ढक्कन वाला करते हैं ना, वैसे दवाई है। ओके, हाँ हाँ, हाँ जी हाँ। ये प्लेट उनके साथ ही आती है? नहीं मैम, पहले मिलती थी तो आप पहले आती थी घूमते हैं। इसका क्या जैसे चेहरा दिख रहा तुम्हारा? इससे मैम जैसे कि अगर ये बंद हो जाए ना कभी तो सेफ्टी वॉल पड़ जाता है। हाँ ये डेंजरस होता है, मतलब ये सब कुकरों में होता है। ये अच्छा होता है, जैसे चावल फंस जाते हैं ना हम यहाँ पे, चावल वगैरह फंस गए तो यहाँ से हवा चल रही है, ये पूरे में फंस गया ना तो फिर सेफ्टी वॉल फटता है, फिर इससे कहती हवा चल रही है, कुकर फटने का डर नहीं रहता। वो भी लेके ही गई है, कम से कम 10 सेट लेके गए वो वाला। हाँ, पैक कर रहा है। वो कितने का आता है? 10 सेट लेगा ये, लगभग 3300 रुपये। 6 या अभी थक गई है शॉपिंग के नाम पे, अभी ये सब ज्यादा बढ़ गया। इससे एक बड़ा साइज हो खराब हो रखी होगी, ये वाली 150 की है और ये छोटी सी, सबसे छोटी कितने की बताई भैया? 120 रुपए, 150। हेलो, तीन सौ पचास
ये 385 हुआ, कितने कम में जाते हैं यार। हाँ आ रही है, रास्ते में ही है, आ रही है, आ रही है, बिगड़ दी है संडी और हो रही है, बफरिंग करती जा रही है। 2530 का एक कुकर और दो कुकर जाते हैं हमारे 385 में। 8-10 साल खाया भी होगी। नहीं नहीं आएगा नहीं, नहीं नहीं प्लेन मिल जाएगा, डिजाइन वाला नहीं, प्लेन ही मिलेगा। अरे कुकर का काम हो गया है, मुझे और भी सामान देखना था जो मुझे यावी ने बिल्कुल देखने नहीं दिया है। अब मैं यावी को कुछ नहीं देखने दूंगी कहीं पे। तो यहाँ पर यावी ने सीट को फोल्ड करवा लिया है और बना लिया अपने लिए बेड। कह रही है मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, तो उसने अपने लिए बना लिया यहाँ पे बेड और वो सोने वाली है अपने टेडी के साथ। और हम निकल दिए हैं पता नहीं कहाँ के लिए। आज अमित कहाँ लेके जा रहे हैं, अमित को थोड़े बहुत काम भी हैं तो अमित को वो भी पूरा करने हैं, तो हम भी साथ ही में चल पड़े अमित के। ट्रैफिक तो एज़ यूजुअल दिल्ली में मिलेगा ही मिलेगा, आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ हर जगह ट्रैफिक मिल जाएगा। और यावी को ना यहाँ नींद आ गई है, यावी सो चुकी है। अच्छा है, थोड़ा सा जो चिड़चिड़ी हो रही थी ना वो भी ठीक हो जाएगा इसका बिहेवियर। तो अभी हमें तो टाइम लगेगा पहुंचने में जहां मैं तुम्हें लेके जा रहे हैं आज। ये देखिए ट्रैफिक, दिल्ली का ट्रैफिक। तो हम पहुंच गए हैं प्रोमनाड मॉल, DLF एम्बियंस मॉल, ये पूरा इसी का ही नाम है, वसंत कुंज में ये है। यहाँ से मुझे यूनिक्यूलो से कुछ देखना था अपने लिए, तो ये वाला ब्रांड इस वाले मॉल में अवेलेबल है और CP में भी अवेलेबल है, बाकी मुझे पता नहीं पैसिफिक में तो ये नहीं है, तो इसलिए आज हम यहाँ आए और फॉर अ चेंज भी। तो चलिए देखते हैं आज की यहाँ की मॉर्निंग में हम क्या करने वाले हैं। या अभी सो रही है, इसको हम गाड़ी पार्क करेंगे उसके बाद ही उठाएंगे ताकि तब तक थोड़ी और इसकी नींद पूरी हो जाए। इस पार्किंग में भी टाइम लगेगा, रश काफ़ी ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। सो गई थी तो उसने शूज़ भी खोल दिए थे, तो उसको बाद फिर शूज़ पहना रहे हैं हम। थोड़ी सी लो है, थोड़ा उसको चेयर अप करना पड़ेगा अभी। कहाँ है? तो वो कहाँ संभालेगा, मॉल में गुम हो जाएगा। चलो हाय टैडू, टैडू आप मॉल आए हो। टैडू को ले जाओ, गो। नहीं नहीं रित कुमार पूछ। यार आज सीरियस नहीं आ रश है, ये स्टॉल्स वॉल्स कभी नहीं लगे होते ऐसे, ये वाले छोटे मोटे ना। आओ इधर देख लेते एक बार, इधर इधर आओ, हम वहाँ पे जाएंगे। आओ अमित एक बार इसको देखो, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं अभी का डोनट लेने, तब तक हमें कुछ लेने नहीं देगी मुझे ये, जब तक उसको डोनट नहीं मिलने वाला।
ये यहाँ पे बाहर भी स्टॉल्स लगे हैं, कुछ प्रिटी प्रिटी सूट्स, ज्वेलरी, बेडशीट्स, कंफर्टर्स। हम तुम्हें पीछे ढूंढ रहे हैं, चल यार। इतना क्राउडेड क्यों है आज? Yes, what do you want now? कोई और भी ट्राई कर सकते हैं। आपको गाना सकते हैं यावी के लिए बर्थडे ड्रेस ले लें यहाँ से। याबी को नेल्स करवाने हैं तो कंफर्टेबल जगह ढूंढी जाए। तो याबी खा रही अपने फेवरेट डोनट्स और आज मेरा मन कर रहा है बड़ा पाव खाने का, तो अमित गए मेरे लिए बड़ा पाव लेने हल्दीराम से। तो अमित मेरे लिए बड़ा पाव नहीं लाए, बस आने वाला है बड़ा पाव, तब तक कॉफी पी के गुजारा करो। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, 7 to 8 minutes। इनका फूड कोर्ट छोटा है एज कम्पेयर टू पैसिफिक, ऐसा क्यों? हाँ क्या इनका फूड कोर्ट छोटा क्यों है पैसिफिक? दो फूड कोर्ट ना अलग अलग है, यहाँ का अलग है वहाँ वाले का अलग है, और इनमें कैफे ज़्यादा है इधर तो। आज हमारा कैफे में बैठने का मन नहीं था क्योंकि वहाँ पे बड़ा पाव नहीं मिलता ना मुझे जल्दी राम, इसलिए। मेरे सुंदर संस्कार आइकन मतलब नहीं, मैं इसका पीवीआर वालों का पीवीआर आइकन नहीं, मैं ऐसा कुछ ना कुछ अलग थोड़ी और लग्जरी होगी। देखिए कितना गोल्डन चमकता हुआ पीवीआर है। देखो यहाँ पे डोमिनोज और मैकडी सब खाली पड़े हैं, पता नहीं क्यों खाली पड़े हैं। और हमारे उधर और हमारे पैसिफिक में डोमिनोज पे इतनी वेटिंग, इतनी लाइन होती है। अपराध हमारा पिज्जा खाने का, यहाँ पे डोमिनोज का पिज्जा खाने का शौकीन रखती है। आज यहाँ पे ने खाए हैं डोनट्स, हमारा मन है हल्दीराम का बड़ा पाव खाने का और साथ में डोसा। आजकल साउथ इंडियन का फूड अच्छा लगने लगा है। आज जैस ने डाली है मेरी टी शर्ट। एंड माय बड़ा पाव हल्दीराम का बड़ा पाव, लेट्स ट्राई। जैसे ने खा लिया मिर्च, खाना खाने के बाद हम आए हैं ओम बुक शॉप।
यहाँ पर बहुत ही यूनिक तरह की बुक्स मिलती हैं, ऑलमोस्ट सारी बुक्स मिलती हैं बच्चों के लिए। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, लाइक रामायण से लेकर कलरिंग बुक से लेकर हर तरह की बुक अवेलेबल है यहाँ पर, बड़ों के लिए भी तो बच्चों के लिए भी। तो याविक आजकल बुक्स में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा जाग रहा है। याविक दिस इज फॉर यू, आप ऐसी चीजें रीड करती हो ना, महाभारत देख तो लो। इस पेपर पे नहीं रीड करोगी आप, ये सब रीड करती हो, महाभारत ले सकती हो, कृष्णा भी होंगे इसमें। ये देखो देखने तो दो, हाँ देखो आप देखो। राजा कंस मथुरा का, पढ़ पाओगी? इतना टाइम नहीं है, लेट जाना है ना, तभी तो मुझे भी जाना है अपनी शॉपिंग के लिए। शॉपिंग नहीं कर रही, मैं बस देख रही हूँ। पापा चले गए बाहर। आफ्टर बुक्स की शॉपिंग अब हम आए हैं क्यूलो, यूनी क्यूलो, यहाँ से कुछ देखने के लिए। यहाँ की मुझे एक्चुअली वॉर्म में, यहाँ पे वॉर्म स्टफ ना काफ़ी अच्छा मिलता है, तो मुझे इनके एक बार पैंट्स देखने थे वॉर्म में, एज विंटर्स आर नियर, तो मैंने सोचा एक बार वो देख लेते हैं। And this is for only 1290 rupees. But will it keep me warm? अगर रखी तो बहुत अच्छा है। Will it keep me warm? अच्छे से बैठो, एक और चाहिए मुझे। ये अभी को लग रहा है इसके अंदर गिफ्ट है, क्या लिखा पढ़ो। पुलिस अच्छा लग रहा है वैसे तो। दोनों गिर जाएगा वो, यावी ने ली ये बुक काली माता वाली, ठीक है, और ये इरेजर लिया मैंने, ये इरेजर देख सकते हो आप, ये इरेजर है जस्ट एन ऑर्डिनरी इरेजर विद शॉर्पनर। गाइस तो मेरे साथ बहुत बड़ी आइटम हुई है, आइटम ये हुई है, बिल में आप देखोगे तो ये बिल बना टोटल 487 रुपीस का, ठीक है, जिसमें से मुझे लगा था 375 की ये बुक होगी, मुझे ऐसा लगा, ठीक है, और 112 रुपीस का ये होगा इरेजर, ठीक है,
112 रुपीज़ का ये इरेजर होगा, बट ये जो बुक है ये है 112 रुपीज़ की एंड 375 रुपीज़ का ये इरेजर लेकर आई हूँ मैं। क्या इस इरेजर से मुझे कुछ इरेज करना चाहिए? 375 रुपीज़ का इरेजर ऑर्डिनरी, ना खुशबू ना कुछ, कुछ भी नहीं इसमें। मेरे साथ पीछे कुछ लिखा हुआ है, बहुत बड़ा पोपट बना पीछे कुछ लिखा हुआ है, किसी मिलन स्पेन का है, स्पेन कंपनी का है ये, और ये बहुत ही महंगा है। मेरे साथ ये क्या हुआ? शॉपनर तो बड़ी बात है, तो बहुत खतरनाक हो गया। शॉपनर तो सही है ना, ये कटआउट बोर्ड बुक मुझे फिर भी लगी थी कि थोड़ी महंगी हो सकती है शायद। ओम बुक स्टोर से, ओम बुक इंटरनेशनल स्टोर जो कि हमारा प्रोमनाड मॉल में है। चलो आप इसको खोल के देखते हैं। ये कुछ इस तरह की बुक है, तो ये अभी लेकर आई है, रीड कर सकते हो, रीड करने के लिए काली माता की स्टोरी, बस इधर तक है। ओ गॉड, तो जो हम कुछ आपको दिखाना आज जाते। क्या ही हुआ मेरे ये साथ, ये आप पढ़ सकते हो, देख लो गॉड काली। तो फिर आज के ब्लॉग को यही खत्म करते हैं, आज मेरा दिल तो टूट ही गया ऐसे रेजर की वजह से। ये रेजर, ओ गॉड, कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट एन ऑर्डिनरी रेजर, 375 रुपीस का रेजर, जैसे जैसे यूज होगा ना। आज तो मेरे साथ बहुत ही खतरनाक सीन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड यावी कुछ बोलेगी, यावी से टाटा, ओला ओला बाय।